फाइनल दोस्तों, आज 14 जुलाई को Realme का एक और स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया। जी हाँ, Realme C11 इंडिया में लॉन्च हो गया 7,500 रुपए की प्राइजिंग के साथ। ये स्मार्टफोन 24 जुलाई को आप सभी लोगों को फर्स्ट सेल के साथ बिकना स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट पे। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलेगी, MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है। इस वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिए, अपने सभी दोस्तों को फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं अभी लॉन्च इवेंट देख रहा था और यहाँ पे इस स्मार्टफोन में धमाकेदार फीचर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन को आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार, तो मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सगल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 14 जुलाई है और आज जो है Realme C11 की लॉन्च इवेंट था और Realme C11 इंडिया में आज लॉन्च हो गया। दोस्तों, 7,500 रुपए की प्राइसिंग के साथ Realme C11 की फर्स्ट सेल लगने वाली है 24 जुलाई को फ्लिपकार्ट पे, दोपहर 12 बजे लगेगी। दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्मार्टफोन, इसकी जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट की रहेगी, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो एकदम धमाकेदार है। डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, एकदम बेहतरीन डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, एकदम जो Realme की ब्रांडिंग है वो आइकॉनिक तरीके से है। और रियर पैनल पे बात करते हैं, जो कैमरा रखा हुआ है वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन डुअल रियर कैमरा है और यहाँ पे फ्लैश लाइट भी देखने को मिलता है। फ्रंट पैनल पे आते हैं तो 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप के साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि फुल व्यू स्क्रीन रहेगा। यहाँ पे अब हम कैमरे की बात करते हैं तो दोस्तों, रियर पैनल पे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और दूसरे कैमरे की बात ही नहीं कही, इन्होंने पोर्ट्रेट लेंस दे दिया। डर रहे हैं शायद इन्होंने VGA लेंस वगैरह दे दिया है, पोर्ट्रेट बोल दिया है, शायद उसमें 2 मेगापिक्सल है कि क्या है ये, इस तरह का मुझे लग रहा है, क्योंकि नाम इन्होंने जाहिर ही नहीं किया। फ्रंट पैनल पे आते हैं तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। कुल मिला के बात करते हैं, इस स्मार्टफोन में समझ लीजिए कि एक ही कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोस्तों, अब आते हैं इसके रैम वेरिएंट की तरफ। दोस्तों, इस स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट देखने को मिला है, 2 GB रैम देखने को मिलेगा, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ, G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे इस स्मार्टफोन में आपको रिवर्सेबल चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन नॉर्मल चार्जर से चार्ज होगा। अब आते हैं, इस स्मार्टफोन को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। दोस्तों, अगर आप जो है काम चलाओ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो बेशक 7,500 रुपये में एक बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें एक चीज़ नहीं मिलेगा आपको, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। फेस अनलॉक फीचर तो हर एक स्मार्टफोन में होता है, एकदम घटिया से घटिया स्मार्टफोन जिसमें फ्रंट कैमरा दिया है उसमें भी फेस अनलॉक का फीचर होता है, तो इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और 7,500 रुपये में और क्या लेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। तो ऐसे में आप जो है अगर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं 7,500 रुपये का, तो बेशक खरीद सकते हैं। इसमें आपको 2-3 कमियां देखने को मिल जाएंगी। पहला तो ये कैमरा फीचर में बेकार आ जाएगा, जी हाँ, कैमरा फीचर इसका अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा जो है कि जो बोला जा रहा है कि इसमें गेमिंग अच्छा है, गेमिंग के लिए सिर्फ प्रोसेसर ही अच्छा नहीं होता, गेमिंग के लिए रैम और इंटर रैम भी मायने रखता है। पता चला आप Helio G70 दे रहे हैं और रैम 1 GB दे रहे हैं, उसी तरह से यहाँ किया गया है, Helio G35 दिया गया है, 2 GB का रैम दे दिया गया है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं है। 7,500 रुपये की प्राइसिंग में बढ़िया है, आप जो है काम चलाओ डेली यूज के लिए इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप जो है हैंड्स ऑफ रिव्यू चाहते हैं इस चैनल पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24 जुलाई को जैसे इसकी फर्स्ट सेल लगती है, हम जो है इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बताइएगा कितने लोग इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, काम चला हुआ है, डेली यूज के लिए आप बेशक इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप में और आप जरूर कमेंट करके बताइए हैंड्स ऑफ रिव्यू चाहते हैं
तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तक दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।